distance traveled by the body in last second of motion, या फिर distance traveled by the body in nth second. अब ये क्या चीज़ है nth second, last second? देखो मैं समझाता हूँ इसमें है क्या चीज़. आप इमेजिन करें कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है और लेट अस सपोज ये आपके पास एक बॉडी है और मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है और सपोज करो यहाँ पे आ जाती है. जब वो यहाँ पे आई तो आपने टाइम नोट किया तो टाइम की वैल्यू थी एन सेकेंड्स. ठीक है, टी ना लो एन लो क्या फर्क पड़ता है. तो टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुई थी, आपके हाथ में स्टॉप वॉच थी और मैंने पूछा कि यहाँ पे कितना टाइम, आपने बोला जी एन सेकेंड्स. मैंने कहा ठीक, एक सेकेंड पहले, इससे यहाँ पहुँचने से एक सेकेंड पहले बॉडी कहाँ थी, यहाँ थी. मैंने पूछा घड़ी में टाइम देख के बताओ यहाँ पे कितना, तो आंसर क्या था, एन माइनस वन सेकेंड. एग्री करते हो? तो यहाँ पर एन माइनस वन सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे घड़ी में एन माइनस वन सेकेंड पूरे हो चुके हैं और आखिरी सेकेंड पहुँचने वाला है. तो जब बॉडी रास्ते में यहाँ होगी, यहाँ पे चल रही होगी, तो वो कौन से सेकंड में, आखिरी वन सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे जर्नी कंप्लीट है, तो ये लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन है. या फिर इसको बोला जाता है कि nth टाइम स्टार्ट हो गया, n माइनस वन कंप्लीट हो गया, nth स्टार्ट हो गया. इस बात को ऐसे समझते हैं, सपोज करो अभी कल इसका बर्थडे था, मैंने पूछा कितने साल का, कहता जी 16 पूरे हो गए, अब 16 कंप्लीट है मेरे. अब मैंने कहा कल था तो आज, कहता 16 साल एक दिन का हो गया हूं मैं, तो अगला बर्थडे पे कितने साल का हो जाएगा, 17. अब बीच में क्या है, बीच में क्या बोलेगा, 16 हो चुके, 16 का तो मैं हो चुका, 17वां लग गया. घर पहले बताया कि कितने साल का हो गया जी लड़का, जी 17वां लग गया इसे, 17वां लग गया का मतलब भी रास्ते में है, अभी तो बर्थडे आना है 17वां. तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो n सेकंड तो पूरे हो गए, n माइनस वन तो पूरे हो गए, अब nth चालू हो गया और यहां पे n भी कंप्लीट हो गया. तो जब तक कंप्लीट नहीं हुआ हम क्या बोलते हैं इसका, nth सेकंड चल रहा है. समझ में आ रहा है nth को क्या मतलब है, मतलब कि यहां पे सपोज अगर मैं फिगर्स में बात करता हूं, टोटल जर्नी 10 सेकंड की, तो यहां पर 10 सेकंड में एक सेकंड पहले 9 सेकंड है. अब ये कौन सा सेकंड चल रहा है, नाइन्थ नहीं है, नौ तो हो गया, अब ये 10वां सेकंड है, 10वां चल रहा है और लो 10 कंप्लीट हो गए. तो यानी कि दिस इज द जर्नी कवर्ड इन 10, थ जरूर बोलेंगे साथ में, 10 थ सेकंड. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ ही है, क्योंकि TH लिखने से पता लगता है कि ये 10 थ सेकंड है और एक ही सेकंड की बात हो रही है, लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि nth सेकंड क्या होता है. तो मैंने सपोज किसी से ये पूछा कि ठीक है यार ऐसे एक काम करते हैं, ये मान लो बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक, ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक ठीक है, यहाँ पे आ गई, तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितनी है, तो या टाइम टेकन कितना है, एन सेकेंड्स है, एन सेकेंड्स है यहाँ तक. और ये जो डिस्टेंस है इसको लिखा जाता है एस एन, एस एन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन, ना थ नहीं बोलना, थ तो बस आखिरी सेकेंड है, थ बोल दिया गेम खत्म हो गई, एन सेकेंड्स. एस एन का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स. एक सेकेंड पहले एन माइनस वन है और मैंने पूछा कि ये डिस्टेंस कितना है, तो किसी ने बोला एस ऑफ एन, थ तो बोलना ही नहीं भाई, एन माइनस वन है, थ तो जब बर्थडे 16 साल का हो चुका तब बोलना है, मेरा सतारवां शुरू हो गया, 16 साल तक दुनिया को थोड़ा बोलोगे कि 16th बर्थडे चल रहा है. कहने का मतलब n माइनस वन तो हो चुका घड़ी में टाइम पूरा, अब nth स्टार्ट हुआ, तो वो आखिरी एक सेकेंड को एस एन nth बोलते हैं. तो कहने का मतलब जब मैं ये पूछूंगा कि ये डिस्टेंस कितना है, हाँ अब बोलो एस एन nth, क्योंकि nth सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस का वर्ड, समझ में आ रहा है यहाँ तक. एस एन का मतलब टोटल डिस्टेंस इन n सेकेंड्स, एस एन माइनस वन का मतलब टोटल इन n माइनस वन सेकेंड. दोनों को अगर माइनस कर दें, एस ऑफ एन में से अगर एस ऑफ एन माइनस वन माइनस करें
तो मेरे पास डिस्टेंस आएगा एस एन नथ, एस एन नथ, एन नथ का मतलब आखिरी 1 सेकेंड या एन नथ सेकेंड। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? मैं कहाँ पे था? हाँ, एस ऑफ एन में से एस ऑफ एन माइनस वन माइनस करेंगे, एस एन था जाएगा। समझ में आ रहा है? इस चीज को इजी लैंग्वेज में सपोज करो, यहां से यहां बॉडी आई और टोटल 10 सेकेंड लगे बॉडी को आने में, तो ये डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कौन सा डिस्टेंस है? एस टेन था, नहीं, एस डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स। 1 सेकेंड पहले 9 सेकेंड हुए थे, तो ये डिस्टेंस को कैसे लिखूंगा? S9। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, ये थ लिख दिया ना, गड़बड़ हो जाएगी। और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? S थ भी बोलना है अब, क्योंकि S10 थ है, 10th सेकेंड का डिस्टेंस है। तो 10th सेकेंड का डिस्टेंस जो होगा वो S ऑफ 10 माइनस S ऑफ 9 होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? अब हमारे पास फिजिक्स वालों के पास एक शॉर्टकट है, मतलब आपसे पूछा जाएगा 10th सेकेंड का डिस्टेंस निकालो, वो आखिरी 1 सेकेंड का, तो आपको न्यूमेरिकल लंबा करना पड़ेगा। पहले आपको 10 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर आप 9 सेकेंड का निकालोगे, फिर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा। लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट है, 1 सेकेंड में आंसर आएगा। ठीक, वो क्या आएगा बताता हूँ। तो ये डेरिवेशन यही है एग्जैक्टली, पेपर में आ सकती है, बड़ी बात नहीं है। कि सपोज करो ये आपके पास एक बॉडी है, ये रही यू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी नीचे गिरी कितनी देर में? एन सेकेंड्स में। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितने हैं? एस एन। 1 सेकेंड पहले बॉडी हवा में है, तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? एस ऑफ एन माइनस वन। हमने क्या निकालना है? आखिरी 1 सेकेंड का डिस्टेंस, एस एन एथ का मतलब एस एन माइनस एस एन माइनस वन। क्या स्टेप क्लियर है? तो मेरे को ये निकालना है। अब इसमें एस एन का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स। एस एन माइनस वन का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन माइनस वन सेकेंड। तो एक काम करते हैं, पहले एस एन निकालते हैं। एस एन निकालने का मतलब पूरी जर्नी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं और मान लेते हैं पूरी जर्नी में एक्सलेशन ए है, तो यू टी नहीं, टोटल जर्नी कितनी है? एन सेकेंड की, तो यू एन प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर। तो एस एन क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं एस एन माइनस वन निकालता हूँ तो मैं एन की जगह क्या रिप्लेस करूंगा? एन माइनस वन, यहाँ भी एन माइनस वन। पर मेरे को इसमें क्या निकालना है? एस एन एथ निकालना है, तो मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। एस एन का मतलब यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एस एन एथ का मतलब ये वैल्यू आ गई, सॉरी एस एन माइनस वन का मतलब ये वैल्यू आ गई। तो ऐसे ओपन करते हैं, आगे मैथ है, फिजिक्स खत्म है, अलजेब्रा स्टार्ट हो गया। कैसे? ये तो ऐसे लिख लिया यू इन टू एन माइनस यू, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी क्लियर है? नेक्स्ट है, ये टर्म एज इट इज ओपन कर रहा हूं पूरी टर्म्स को। पहली टर्म यू एन पॉजिटिव है, माइनस की वजह से माइनस यू एन, माइनस माइनस प्लस है तो ये यू हो गया, माइनस 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 प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर। फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बाई टू है, ए बाई टू के आगे माइनस है तो माइनस ए बाई टू है। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से टू कैंसिल, तो माइनस ए एन आएगा, पर माइनस की वजह से प्लस ए एन हो जाएगा। इन शॉर्ट आप इस स्टेप को याद ही नहीं कर सकते, और मेरा स्टेप देख के करोगे भी क्या? हाँ, आपको इसे ओपन करना है खुद। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप क्लियर है, ओपन कर लेंगे। ओपन करके ये स्टेप ए एन आएगा, तो हाफ ए एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर यू एन हो जाएगा कैंसल। आपके पास सिर्फ ये तीन टर्म बचेंगी। इन तीन टर्म्स में आप एक ऐसा नोट कर लें, एक स्टेप एक्स्ट्रा, यू प्लस, एक काम करें ए एन वाली टर्म को आगे लेके आए,
माइनस ए बाई टू को पीछे लेके आए, ऐसे करें, इसको आगे रख लें, इसको पीछे रख लें, लिख लें स्टेप यहीं पे, ऐसे कर लें। और इसके बाद एक काम करें, यू प्लस ए कॉमन निकाल लें, तो क्या बचा, एन माइनस हाफ, ये जो टर्म बची ए एन आगे आ गया, माइनस ए बाई टू पीछे आ गया, आगे पीछे कर दिया, और फिर ए कॉमन आ गया, और फाइनली यू प्लस ए एलसीएम लें, टू एन माइनस वन बाई टू, टू बाहर ले आए, यही डिस्टेंस है एस एन एथ का। ये फॉर्मूला फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लें और हेडिंग डालें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एथ सेकेंड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन का, ये फॉर्मूला फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें इसे। तो फॉर्मूला नोट करें, एस एन एथ इज यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो स्टेप्स क्लियर है, फॉर्मूला याद हो गया सबको, ये तो एस एन एथ का फॉर्मूला क्या है, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सपोज करो एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड, या सपोज करो यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड में आई, 10 सेकेंड पूरे हो गए, एक सेकेंड पहले वो यहाँ पर थी, तो आखिरी एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको क्या बोलते हैं, एस टेनथ बोलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन में मान लो यू की वैल्यू दे देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे देता हूँ, तो आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड या टेनथ सेकंड, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, टू एन माइनस वन, और यहाँ पर एन की जगह क्या पुट कर देना है, टेन, तो यू की जगह टू, ए की जगह फिर से टू पुट करेंगे, और 2 इंटू एन की जगह 10 माइनस 1, सीधा यही डिस्टेंस आएगा। तो एप्लीकेशन समझ में आ रही है कि डिस्टेंस इन टेंथ सेकेंड के लिए इतना बड़ा नहीं करना, एस 10 माइनस एस 9, सीधा फॉर्मूला लगाओ, एस 10th आएगा, कोई डाउट इसमें, तो एस 10th की वैल्यू समझ में आ रही है कैसे होगी। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ तक प्रूफ सफिशेंट है, बट कई लोग होते हैं और देखें सही किताबें खोल खोल के, मेरे जैसे कि चल वेला ही बैठे एक और काम कर ही दे, देखें सही लोग पूछ ही लें, कैलकुलस मेथड से समझाओ कैसे, आपको नहीं करना, आप रिलैक्स रहें, वैसे ही बता देता हूँ, ये सेम आंसर कैलकुलस से भी निकल सकता था, क्योंकि जब बॉडी चल रही थी तो उसके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी यू प्लस ए टी पुट कर दिया। अब हमने जो डिस्टेंस निकालना है वो एन माइनस वन से एन सेकेंड के बीच में निकालना है, तो टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन से एन, और हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, एस एन माइनस वन से लेके एस एन के बीच में, बस बाकी खेल इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेट करते जाएं अपने आप आंसर सेम आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिस मर्जी से करें, स्कूल में आए जो पसंद है उससे करें, और वैसे फर्स्ट से भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। ठीक है,